वेलकम वंस अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपके साथ स्टेटिस्टिक्स के कुछ सेंट्रल टेंडेंसीज, उसके बाद डिस्पर्सन स्टार्ट किया था हमने, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन। अब हम बात कर रहे हैं आपके साथ एक और डिस्पर्सन की, जिसे हम बोल रहे हैं वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ज्यादा बेटर मेजर है ये डिस्पर्सन को मेजर करने का एज कंपेयर टू अदर मेजर्स। देखिए किस प्रकार से। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ये सपोज कर लें x1, x2 अप टू xn, ये रॉ डाटा है जी। x बार इज द मीन, x बार इनका मीन है जी। अगर हम हर वैल्यू में से इस x बार को माइनस करें और हर एक वैल्यू का स्क्वायर करते चले जाएं और फिर सबको ऐड कर लें, फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दें, तो इसे हम बोला करते हैं वेरियंस। दिस इज कॉल्ड वेरियंस। सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ इस तरह से सिंबल सिग्मा स्क्वायर बना करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर आई फ्रॉम 1 टू एन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये आपके पास हो गया वेरिएंस का डेफिनेशन। अब अगर मान लीजिए ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार है आपके पास, इसका रिजल्ट जीरो आता है इफ दिस सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर जीरो आता है, आप कहेंगे आ ही नहीं सकता जी। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो माइनस होने का तो चांस ही नहीं है जी। तो कब पॉसिबल है जी ऐसा? ऐसा पॉसिबल है कि ईच एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स आई में से एक्स बार को माइनस किया, हर एक वैल्यू में से एक्स बार को यानी मीन को माइनस किया हमने, तो हमने फाइंड आउट किया डेविएशन, और हर एक केस में डेविएशन का वैल्यू जीरो। तो हर एक केस में डेविएशन का वैल्यू अगर जीरो के इक्विवेलेंट है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं जी? नो डेविएशन या नो डिस्पर्सन। ठीक है जी। यानी सारी की सारी जो आइटम्स हैं वो मीन के ही इक्वल हैं, बराबर हैं, तभी आपके पास रिजल्ट जीरो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा जी। एक और केस करें, इफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज स्मॉल, ये वाला रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं आया, बहुत स्मॉल आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि x1, x2, xn आर वेरी क्लोज टू x बार के बहुत ज्यादा क्लोज है जी, तभी तो डिफरेंस कम आया, करेक्ट। और अगर ये लार्ज आ जाता है, बड़ा आ जाता है, इफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज लार्ज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आइटम्स आपके पास हैं आर फार फ्रॉम x बार,
यानी डेविएशन इज मोर, तो डेविएशन इज जीरो, डेविएशन इज स्मॉल, डेविएशन इज लार्ज। ये तीन अलग अलग सिचुएशंस हमने आपके साथ डिस्कस की जी, करेक्ट। तो ये हमने बात की वेरिएंस के बारे में। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, केवल ये जो भी कुछ लिखा है इसका आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, अंडर रूट ऑफ दिस, दैट विल गिव यू द पॉजिटिव वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, स्क्वायर रूट निकालते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन आपको केवल प्लस ही कंसीडर करना है जी। ऑलराइट, अब यहां आपने देखा कि भी हमने जब स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस का वैल्यू फाइंड आउट किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला है जी। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये मुश्किल सा फॉर्मूला है जी, डिफिकल्ट हो जाएगा जी अगर हमें कुछ एक्स बार की वैल्यू कोई बहुत अच्छी वैल्यू नहीं मिली जी। एक्स बार अगर आपके पास एक पूरी पूरी वैल्यू आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा जी, कैलकुलेशन आप कर पाएंगे जी। लेकिन अगर एक्स बार आपके पास एक वैल्यू ऐसी आ गई जो कि पॉइंट्स में है तो आपको तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी जी कैलकुलेशन करने में। तो फिर एक फॉर्मूला और बताते हैं जी, इसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके, कि क्या फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं इस वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला आल्सो, ये कंपैरेटिवली ज्यादा इजी हो जाएगा। सारी वैल्यूज का स्क्वायर करके सम करके नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर लो, मीन भी हम इस तरीके के डाटा का इजिली आसानी से निकाल पाएंगे, इसलिए ये उसकी तुलना में ज्यादा आसान, ज्यादा इजी फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा। राइट, आइए एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड हम लोग करने की कोशिश करते हैं जी। Find the mean and variance of first n natural number. Question is, find the mean and variance of first n natural numbers. तो ठीक है जी, first n natural numbers का आप मीन और वेरिएंस दोनों फाइंड आउट करके बताइए जी। आइए जी, हमसे बात की गई 1, 2, 3 और अप टू एन की, दीज आर द एन नेचुरल नंबर्स। इनका अगर आप मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देंगे, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n है जी, n से डिवाइड कर देंगे। तो एक से लेकर n तक की टर्म्स को अगर आप ऐड करते हैं तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आपको याद होगा, n n प्लस 1/2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ दिस एंड डिवाइडेड बाय दिस n आल्सो, ये कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आ गया आपके पास, n प्लस 1/2, दिस इज द मीन। ठीक, अब अगर आप इस हरेक वैल्यू में से इस मीन को माइनस करके स्क्वायर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे जी। पहुंच तो पाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन टिपिकल होगा जी। तो इसलिए हमको इसका वेरिएंस निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना चाहिए जी। देखिए जी कैसे, आइए जी वेरियंस के लिए, मैंने आपको बोला 1/n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, यानी इन सब के स्क्वायर करके उनको ऐड कर लीजिए जी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, करेक्ट, माइनस एक्स बार, एक्स बार कितना आया आपके पास, n प्लस 1/2 एंड देन स्क्वायर ऑफ दैट, राइट। अब ये है जी स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, उसके लिए भी फॉर्मूला आता है जी हमें,
क्या होता है जी, बोलिए फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है n n प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स माइनस n प्लस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर। अब इसमें से कुछ कॉमन निकलता होगा जी, क्या कहो, एक n तो कैंसिल हो गया, n प्लस वन अपॉन टू कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, n प्लस वन अपॉन टू हमने इसमें से कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 2n प्लस वन अपॉन थ्री माइनस n प्लस वन अपॉन टू हेयर। अब इसका एलसीएम ले लीजिए जी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास आएगा n प्लस वन अपॉन टू एंड सिक्स हेयर 4n प्लस टू माइनस थ्री एन माइनस थ्री, कितना आ गया जी n माइनस वन। तो ये n प्लस वन ये n माइनस वन, तो n स्क्वायर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व, n स्क्वायर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व, दिस इज द स्टैंड वेरियंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। रूट कर लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से इस फॉर्मूले से हम इजिली यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, आइए और आगे बढ़ते हैं जी, इसी फॉर्मूले को और आगे कंटिन्यू करेंगे अभी हम। यहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाले केसेस अभी नहीं आए थे। आइए जी, एक्स वन एक्स टू xn frequencies are also there, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे जी, हमें अगर वेरियंस का वैल्यू निकालना है तो सिग्मा fi हर एक xi में से x बार को माइनस कीजिए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, करेक्ट। फिर वही बात कि ये उसके कंपेयर में टिपिकल हो जाएगा, छोटा डाटा हो इजी डाटा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन इजी छोटा सा निकला है, इजी निकला है आपके पास, फ्रैक्शन ना हो, पॉइंट वाला ना हो जी, तो ऐसे सिचुएशन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। लेकिन अगर हमारे पास डाटा कंपैरेटिवली टिपिकल हो गया, मुश्किल हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में इस फॉर्मूले को थोड़ा और बेटर करके मॉड्यूलेट करके हम लोग लिखते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा वन अपॉन एन, वेरियंस निकाल लेते हैं चलो, अंडर द रूट एन सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर, दिस विल बी द फॉर्मूला अगर आपके पास डेटा कुछ कंपैरेटिवली मुश्किल होता है जी। तो देखिए क्वेश्चन दोनों टाइप से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे, आइए जी क्वेश्चन करते हैं। Find the standard deviation for the following data. Data आपको given है और उस data के लिए आपको standard deviation का value find out करना है. What is that data? आपको xi का value given है which is 4 8, 11, 17, 20, 24 and 32 and FIR 3, 5, 9, 5, 4, 3 and 1, correct। अब आप पहले तो वो जो टिपिकल वाला थोड़ा सा फॉर्मूला था उसको मैं यूज करता हूं, देखिए किस प्रकार से जी। पहले मीन कैलकुलेट कीजिए, FI, XI मल्टीपल कीजिए इनका,
राइट 12, 40, 99, 85, 80, 72 एंड 32 समेशन इनका आएगा 420. मीन निकाल लेते हैं इसका. एक्स बार फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई 420 एंड समेशन ऑफ ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज इज 30. तो 30 से आप इसे डिविजन कर दीजिए. मीन का वैल्यू आ गया आपके पास 14. अब क्या करना है जी, आपने हर एक एक्साई में से एक्स बार को माइनस कीजिए, स्क्वायर कीजिए. एक्स बार 14 है, 4 माइनस 14 10 आएगा, स्क्वायर करेंगे उसका 100 आ जाएगा, दैट इज 100. 8, 14, 6 आएगा, आपके पास हो गया स्क्वायर 36. 11, 14, 3, 9 17 में से 14 माइनस कीजिए 3, दिस इज स्क्वायर कीजिए 9. 20 में से 14, 6 36 आ गया जी. 24 माइनस 14, 10 100 आ गया जी. 32 में से 14 को माइनस कर लीजिए, आपके पास आ गया 18, और 18 का आ जाएगा 324. स्क्वायर करना है जी बार बार हमें जी. फिर इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए. एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी ये 3 है जी, मल्टीप्लाई कीजिए 300, 180, 81, 45, 144, 300 एंड 324. 300, 180, 81, 45, 144, 300 एंड 324. 1374 इज द सम. ये आपके पास आ गया एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर. अगर आप इससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो रूट ऑफ 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर. करेक्ट, कितना था आपके पास 1374 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज विच इज 30 हेयर. राइट, कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करके हमारे पास आता है 6.77. ठीक है, तो आपने इसमें देखा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और उस प्रोग्राम प्रॉब्लम ना होने के लिए कौन जिम्मेदार, वो जो एक्स बार है, इजी था, या स्क्वायर करना हमें आसान रहा जी. ठीक है, तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं. करेक्ट, लेकिन अगर ये टिपिकल होता जी, ये मीन हमारे पास लगता कि टिपिकल आएगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को दूसरा फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, उसको भी यूज करना बताते हैं जी, किस तरह से जी. अगेन द सेम क्वेश्चन, दिस टाइम एक्स आई एंड एफ आई चेंज है, 6, 10, 14, 18, 24, 28 एंड देन 30 एंड फ्रीक्वेंसीज आर 2, 4, 7, 12, 8, 4 एंड 3. करेक्ट, ये आपको गिवन है जी. अब की बार आपका इरादा क्या है जी, अब की बार आपका इरादा है कि ये मीन नहीं निकालना जी, हमें फॉर्मूला यूज कुछ और करना है जी. उसके लिए आपको एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करना है जी, आपको एक्स आई का स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है, और एफ आई एक्स आई स्क्वायर यहां तक निकालना है जी. माइनस करके स्क्वायर कुछ नहीं करना है जी. तो आपके पास आया 12, 40, 98, 216, 192, 192 था ना, राइट, 192, राइट, इट्स ओके,
112 एंड 90. अब इनका समेशन अगर आप करें तो दिस इज 40 एंड दिस कम्स आउट टू बी 760 हियर, करेक्ट. अब आइए एक्स का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर 36, 100, 14, 196, 324 हियर, 576, 28 का करेंगे 784 एंड 30 का 900. FI के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, 400, 196 को अगर आप से करेंगे तो 1372, 324, 3888, 576 into this 4608, 784 into 4, 3136 and finally 2700. इनका भी समेशन कीजिए, 16176, करेक्ट. आइए फॉर्मूला इनपुट करते हैं. क्या था जी फॉर्मूला? 1 अपॉन n, n सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर, करेक्ट. वैल्यूज हमारे सामने सब हैं जी. 1 अपॉन n मीन 1 अपॉन 40, 40 हेयर, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर 1676 माइनस 760 होल स्क्वायर, करेक्ट. अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं जी, और कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो 6.58 हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग कुछ माइनस करने वाली जो सिचुएशन यहां पर थी उससे बच गए जी, फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम से बच गए जी, पूरी पूरी वैल्यूज को लेकर के हमने फाइंड आउट कर लिया जी स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू. स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वेरियंस आ जाएगा जी. ऑलराइट, आइए जी एक क्वेश्चन और सीखते हैं हम, और वो है जी हमारे पास क्लास इंटरवल्स जब हम यूज करेंगे उस केस में कैसा करेंगे जी. डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सीरीज की बात हो रही है अब हम, इसमें देखिए थोड़ा सा पॉइंट वाला फ्रैक्शन वाला डाटा और कुछ और नई बात भी हम बताने जा रहे हैं आपके साथ. द डायमीटर ऑफ सर्कल्स इन मिलीमीटर ड्रॉन इन ए डिजाइन आर गिवन बिलो, राइट. अब देखिए जी, और फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा. यू हैव टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन, और साथ ही साथ चलो जी मीन भी निकाल लें, स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल एज मीन ऑल्सो. अब डाटा क्या है जी आपके पास? डाटा में डायमीटर आपको गिवन है एंड नंबर ऑफ सर्कल्स जिसे आप फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे दे आर 33 टू 36 सेंटीमीटर, 37 टू 40 सेंटीमीटर, 41 टू 44, 45 टू 48, 49 टू 52, और फ्रीक्वेंसीज आर 15, 17, 21, 22 एंड देन 25, करेक्ट. अब यहां एक चीज और दिखती है हमें, वो ये डिसकंटिन्यूटी. 36 के बाद ये 37 से स्टार्ट हुआ जी, 40 के बाद 41 से स्टार्ट हुआ जी. तो इसे भी कंटिन्यूअस बनाना कैसे बनाते हैं हम लोग, उसके लिए आप क्या करते हैं कि इसका डिफरेंस देखते हैं कितना कितना डिफरेंस है.
यहां से 36 पर फिनिश हुआ, 37 पर स्टार्ट हुआ, केवल 1 का डिफरेंस। तो 1 का अगर आपके पास डिफरेंस है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, 0.5, उस 1 का आधा, 1/2, 0.5, इसमें से 0.5 माइनस कर लीजिए, इसमें से 0.5 प्लस कर लीजिए, 0.5 माइनस, 0.5 प्लस, 0.5 माइनस, 0.5 प्लस, उससे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस आपके पास हो जाएंगे। तो कंटिन्यूअस होने पर क्या बना जी, अब डायमीटर कंटिन्यूअस करने पर ये डाटा आपके पास बना 32.5 टू 36.5। अब जब इसमें से 37 में से 0.5 कम करेंगे तो 36.5 यानी इसके इक्वल आ जाएगा। करेक्ट, राइट, ये आ गया जी। अब ये आपके पास नंबर ऑफ सर्कल्स, ये इनकी फ्रीक्वेंसी, लो जी पहले इनसे एक्साई निकाल लो जी, इसे इसे ऐड करके हाफ कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 34.5 आ जाएगा, 34.5। इससे क्या आ जाएगा, कितने कितने का डिफरेंस है, 4-4 का डिफरेंस है, 38.5, 42.5, 46.5 और 50.5, करेक्ट। तो आपके पास 34.5, 38.5, 42.5, 46.5 एंड 50.5 फ्रीक्वेंसीज आपको ऑलरेडी गिवन है जी, इनका समेशन कर लीजिए, समेशन इनका आपको दे रहा है जी 100। ये FI, ये XI, लेकिन आप देख रहे हैं ये तो प्रॉब्लम है जी, फ्रैक्शन है, मुश्किल कैलकुलेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले आप मीन निकालने के लिए एक UI सपोज करते हैं, एक सेंट्रल मीन सपोज करते हैं, एज्यूम्ड मीन जिसे हम कह सकते हैं, और मान लीजिए दो ये छोड़ दीजिए, दो ये छोड़ दीजिए, तो ये एज्यूम्ड मीन आपके पास हो गया 42.5। कैपिटल A से हमने डिनोट किया इसे 42.5। अब UI कैसे निकाल रहे हैं जी, हर एक XI में से उस एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दीजिए और जितना इनके बीच में डिफरेंस है उसे डिवाइड कर दीजिए। डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है जी आपको, डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है 4-4 का जी, और अगर डिफरेंस ना हो, सेम ना हो, तो डिवाइड नहीं करते हैं जी। यहां जिस चीज से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, फॉर्मूले में जाकर के जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मीन निकालेंगे, तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो आइए जी, UI हमारे पास निकल रहा है, तो ये तो आपके पास 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाए, -1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये 1 एंड 2, तो UI का वैल्यू -1, -2, -1, 0, 1 एंड 2 UI आ गया। अब आप FI UI निकाल लीजिए जी, FI को UI से मल्टीप्लाई, -30, माइनस का 17, -30 ना, 0 हेयर, 22 हेयर, 50 हेयर। अब सिग्मा FI UI का वैल्यू कितना आया, 52, 25, सिग्मा FI UI इज 25। अब FI UI स्क्वायर भी निकालते हैं, UI का स्क्वायर कीजिए 4 और 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, तो कितना आ जाएगा, 60, 17, 0, 2 और 100, 60, 17, 0, 2, 22, this was 22, it is 22, it is 22 again, 22, total is 199, is it fine? अब आइए जी, हमने क्या निकालना है, हमने एक तो अरिथमेटिक मीन निकाल, देखिए जी मीन निकालने के लिए हम यहां क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI इनटू दिस सी, ये 4 जिससे हमने डिवाइड किया था, वह फॉर्मूले में जाकर उसको हमको मल्टीप्लाई कर लेना है जी।
तो आई एज एज्यूम्ड मीन हमारे पास था 42.5 सिग्मा एफ आई डी आई विच इज 25 इंटू सी सी मीन 4 डिवाइडेड बाई 100. तो आपके पास दिस इज ऑल्सो 100, तो 1 आ गया जी, 43.5. ये तो मीन का वैल्यू आपके पास हो गया. आप देख रहे हैं 43.5 मीन अगर हम निकालते और माइनस करते तो कितना दिक्कत होती हमें, ज्यादा प्रॉब्लम होती. तो इसलिए हमने फॉर्मूला. अब आइए जी, यहां UI जिस केस में निकाला है वहां किस टाइप का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे देखते हैं जी. इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं. यहां पर हमने अगर वेरिएंस का वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस C से हमने डिवाइड किया था उस C स्क्वायर से आउटसाइड मल्टीप्लाई कीजिए सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई होल स्क्वायर ऑफ दैट. जिसे मीन भी कह सकते हैं, मीन का स्क्वायर भी बोल सकते हैं जी आप. आइए जी इसे पुट कर लेते हैं हम लोग. तो हमारे पास कितना आया, सी स्क्वायर मीन 4 स्क्वायर सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर विच इज 199 अपॉन 100 माइनस सिग्मा एफ आई यू आई कितना था जी, दैट वाज 25 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई. सिग्मा एफ आई का वैल्यू आपके पास कितना था जी, दैट वाज 100 एंड देन स्क्वायर ऑफ दैट. करेक्ट. अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, तो उससे आपके पास वेरिएंस का वैल्यू 5.5 का स्क्वायर आ जाएगा और स्टैंडर्ड एविएशन अगर आप निकालेंगे तो स्टैंडर्ड एविएशन विल बी 5.5. ठीक है. तो इस तरह से हमने ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन को किस तरह से जब डाटा हमको गिवन होता है तो उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग किस तरह से डिस्कस करते हैं ऐसा हमने सीखा जी. करेक्ट. तो इस लेक्चर को इतना ही टर्मिनेट करते हैं. थैंक यू वेरी मच.